हे गाइस, व्हाट्स अप। टुडे इज 27th of December और आज न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ पढ़ने वाली है उस पर हम देखते हैं, उसमें चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिसको हमने आगे लेके जाना है। बेसिकली जो नए लोग हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड, स्टेट सिविल सर्विसेज रिलेटेड जितना भी मटेरियल है हम वो डालते हैं। आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए, पहली जो न्यूज है, हरिद्वार हेट मीट, ये हमने सैटरडे वाला जो न्यूज़पेपर था हमारा, सैटरडे वाली वीडियो, उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से हेट स्पीच के लिए हमने देखा और उसमें भी हमने कवर किया था, और फ्राइडे को भी ये कवर किया था। आज देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश की है। तो देखिए, पहली चीज तो क्या है कि कोई डेफिनेशन नहीं है आईपीसी के अंदर कि हेट स्पीच होती क्या है, लेकिन हमने ये देखा कि की पॉइंट्स क्या हैं इसके, कि बेसिकली हेट स्पीच हम उसको बोल देते हैं कि जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, कम्युनिटी के लिए हम गलत बोलते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से इंसल्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो भी आगे से क्या होते हैं कि यार जिन्होंने बोला है उनको बेसिकली उनके साथ लड़ाई करने के लिए आते हैं, और जिसकी वजह से राइट्स हो सकते हैं उस एरिया में, इस चीज को हम हेट स्पीच बोल सकते हैं, इस चीज को हम हेट स्पीच बोलते हैं। तो लेकिन आईपीसी में इसके लिए कोई भी ऐसी एज सच डेफिनेशन नहीं है। देखो, एक चीज याद रखनी है हमने कि आईपीसी में अलग अलग सेक्शंस हैं जिसके अंदर पकड़ा जा सकता है, लेकिन आईपीसी ने डेफिनेशन दिया हुआ, ये चीज आपने याद रखना है। अब नंबर टू क्या है, स्टैचू जो था क्राइस्ट का, उसको वेंडलाइज किया गया अंबाला में। देखो, इसमें बेसिकली न्यूज क्या निकाल सकते हैं हम, कम्युनलिज्म, इस तरह की चीजें ही कम्युनल चीजों को बढ़ावा देती है। आज इनका है, कल किसी और का टूटेगा, और इसी तरह से राइट्स होते हैं, इसी तरह से जो कम्युनल वायलेंसेज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं कंट्री में। इस तरह से हम इसको आगे लेके जा सकते हैं न्यूज को। तो परस्पेक्टिव क्या रहेगा पेपर के परस्पेक्टिव से, तो यही है, बाकी ये चीजें है तो गलत ही सोसाइटी में, ये हमें पता ही है। बेसिकली हमें हर एक का कल्चर, हर एक की चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इफ वी वॉन्ट के हमारी यूनिटी बनी रहे इन दी डाइवर्सिटी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम जो फोर्सफुली जो अगर किसी को कन्वर्ट करवाया जा रहा है या कोई और प्रॉब्लम है उसके लिए हम खिलाफ है, लेकिन हर एक के कल्चर को, हर एक की संस्कृति को, हर एक की जो सोसाइटल चीजें हैं, जो सोसाइटल जो चीजें चलती आ रही है, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। नंबर थ्री जो आज की न्यूज है वो है रिलेटेड टू टोडा, ठीक है जी। टोडा एक ट्राइब है और इनका एक रिचुअल चल रहा है जिसका नाम है न्यू ईयर, ठीक है जी। वेलकम कर रहे हैं वो न्यू ईयर को, और एट दी ऊटी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। तो देखते हैं वो थोड़ा सा टोडा के बारे में। टोडा देखिए बेसिकली है क्या, टोडा एक पेस्टोरल ट्राइब है, ठीक है जी, नीलगिरी हिल्स में रहती है, और आपने याद रखने की जो टोडा लैंग्वेज है वो द्राविडियन है, और यही चीज है इसमें बेसिकली याद रखने वाली, और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। और इनकी जो नंबर है वो ओनली, इट वाज ओनली 800 इन दी अर्ली 1960s, दे वर रैपिडली इंक्रीजिंग दी पॉपुलेशन, क्योंकि उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज है उन्होंने उसको अपनाया है। बाकी कई ट्राइब्स है जिन्होंने नहीं अपनाया, लेकिन इन्होंने अपनाया, तो इनकी जो हेल्थ कंडीशन की वजह से जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, जो एक्सपेक्टेंसी भी है वो भी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन अब इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब आगे जो न्यूज आज पढ़ने वाली है वो है रिलेटेड टू नागालैंड, और हम बोल सकते हैं आपस्पा। देखो, आपस्पा पे और नागा इशू पे बेसिकली जोक्ता एकेडमी का जो मेन यूट्यूब चैनल है ना, जो एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उस पे हमने एक डाली थी, जोक्ता सर के साथ में मैंने डाला था, और उसको आप देख सकते हो। नहीं तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपस्पा के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा नहीं, कि आपस्पा में बेसिकली होता क्या है। पहली चीज तो देखो, आपस्पा है क्या, आपस्पा में हम आर्म्ड फोर्सेस को क्या कर देते हैं कि पावर दे देते हैं कि आपने भाई मेंटेन करना है डिस्टर्ब एरियाज को। अब जब हमने आर्म्ड फोर्सेस को पावर दे दी तो वो क्या कर सकते हैं, एक बार वार्निंग देंगे, ठीक है जी, फिर वो शूट भी कर सकते हैं किसी को भी, मतलब उनका खुद का वे रहेगा किस तरह से उन्होंने वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने दी। अब एक और चीज आपने याद रखनी है, अगर किसी पे सस्पिशन है उनको, तो वो वारंट के बिना भी वहां पे क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं बंदे को, और दे कैन एंटर और सर्च एनी प्रिमाइसेस विदाउट अ वारंट। तो ये एक चीज हो गई, एंड बैन द पोजेशन ऑफ द फायर आर्म्स, जो भी फायर आर्म्स किसी के पास है उसको बैन किया जाएगा अगर आपस्पा किसी भी एरिया में लागू होता है, और किसी भी बंदे को अगर वो कस्टडी में लेते हैं तो नियर का जो पुलिस स्टेशन होगा वहां पे छोड़ दिया जाएगा उसको, ठीक है जी। ये तो हो गया आपस्पा के बारे में कि पावर दे दी आर्म फोर्सेस को तो वो क्या क्या कर सकते हैं। एक और जो चीज इसमें आती है वो क्या है कि डिस्टर्ब्ड एरिया होता क्या है, और डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने की पावर है किसके पास। देखिए, जनरली डिस्टर्ब एरिया जो लिखा हुआ है आपस्पा का सेक्शन 3 है, उसमें हमने लिख रखा है कि
कि किस तरह से हम किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, डिफरेंसेस आ चुके हैं बिटवीन दी कम्युनिटीज, बिटवीन दी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, है ना, रिलीजियस कम्युनिटीज, तो उस एरिया को कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो जनरल जो हमारी वहां पे पुलिस अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रही, तो हम वहां पे आपस्पा डिक्लेयर कर देते हैं। पहले डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद में आपस्पा वहां पे लागू कर दिया जाएगा। तो ये पावर वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, गवर्नर कर सकता है, ठीक है जी, गवर्नर किस चीज का, ऑफ द स्टेट, और एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है किसी भी यूटी का, किसी भी एक एक चीज और याद रखनी है, चाहे वो पूरा एरिया कर सकता है पूरी स्टेट को मतलब, या फिर पूरी यूटी को, या फिर कुछ पार्ट्स को भी डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये आपस्पा के बारे में था। अब आगे देखते हैं, सेकंड नंबर पेज पे तो कुछ खास ऐसी न्यूज नहीं है पढ़ने वाली। थर्ड नंबर पेज पे वही सेम जो फेनोमेना पहले चल रहा था लॉकडाउन वाला, वो थोड़े धीरे धीरे मुझे तो लगता है कि स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है कि नाइट कर्फ्यू तो लग गया जी दिल्ली में, और 7 अदर स्टेट्स ने या 8 स्टेट्स ने भी लगा दिया नाइट कर्फ्यू, जो कि 11 PM या 2-5 AM रहेगा। तो एक चीज तो ये है 3 नंबर पेज पे, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं है। 5th नंबर पेज पे भी बेसिकली कुछ नहीं है, लेकिन राइनोसोर के बारे में यहाँ पे आया हुआ है। तो राइनोसोर आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा असम में पाए जाते हैं, और असम में दो जगहें हैं, एक तो है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक है पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क में उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, मतलब नंबरिंग है जो वो सबसे ज्यादा है। लेकिन पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेंसिटी ऑफ द राइनोस आर मैक्सिमम। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये छोटा सा फैक्ट आप याद रखोगे। अब आगे देखते हैं जी, आगे एडिटोरियल है। एडिटोरियल में क्या है, दी एल्डरली आर एसेट्स नॉट डिपेंडेंट्स। देखो इसमें पहले तो ये जो इंट्रोडक्शन है उसमें यही लिखा हुआ है कि हम हर एक बार क्या डिस्कस कर रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की, मतलब हमारी यंग पॉपुलेशन है जी, उसको एक डिविडेंड की तरह हम मतलब एक यूज करें, है ना, उसमें उसको काम में लेकर आए, उससे अच्छे वे से सारा काम करवाया जाए, है ना। और इसी चीज के लिए यूथ पॉपुलेशन को हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं, कई स्कीम्स लेके आ रहे हैं, स्किल्स लेकर आ रहे हैं, तो इस तरह से वो सारा फंडा चल रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो, वो इंडिया में राइज हो गई, पहले 50 साल होती थी, तो अभी कितनी हो चुकी है, 70 हो चुकी है। 50 कब होती थी, 1970-75 में, और 70 हो चुकी है 2014-18 में। और इसके लिए क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एल्डर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि 300 मिलियन एल्डरली पॉपुलेशन हो जाएगी, कब, बाय द 2050। तो भाई उनको एज अ डिपेंडेंट आप देखना चाहते हो या एज अ एसेट देखना चाहते हो, ये हमारे पे है। मतलब ये जो राइटर हैं, ये जो अपने थिंकर लगा लो या फिर अपने जो जर्नलिस्ट हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इनको एज अ एसेट हमें क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, ना कि डिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें हेल्थ केयर नीड्स, अगर एक रिपोर्ट देखी जाए लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, उन्होंने बोला कि जो 11% एल्डरली हैं वो सफर कर रहे हैं फ्रॉम दी लोकोमोटर, मेंटल, है ना, विजुअल एंड हेयरिंग प्रॉब्लम से। और काफी जो ऐसे लोग हैं, 58 लाख इंडियंस हैं जो मतलब एनुअली जिनकी डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इस तरह से। तो जो उनपे ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा, और एल्डरली पॉपुलेशन बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इंक्रीज हो रही है। बेसिकली ये शायद से पहले भी डिस्कस किया था कि एक पोर्टल भी आया है, सीक्रेट पोर्टल SACRED, जो कि एल्डरली पॉपुलेशन को देखते हुए बनाया गया है, ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या याद रखना है कि दे यहाँ पे लिखा है कि उनको एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विस चाहिए, जैसे कि भाई कंसल्टेशन होगी घर पे, टेली कंसल्टेशन और होम कंसल्टेशन, नंबर वन। नंबर टू, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, इस तरह की जो चीजें हैं उनको चाहिए चाहिए, अगर हम अपने एल्डरली पॉपुलेशन को एसेट बनाना चाह रहे हैं, ना कि डिपेंडेंट। उसके बाद में एक स्कोर है जी, जिसका है कि अपना हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स। उसमें क्या है कि मतलब कितने लोगों को कितना हेल्थ केयर का जो चीजें हैं वो एक्सेस कर पा रहे हैं। तो पहले इसमें जो हमारा स्कोर था वो था 24.7, लेकिन अभी 41.2 है। लेकिन अगर ग्लोबल एवरेज स्कोर देखा जाए तो वो 54 है, जिससे हम बहुत पीछे हैं, है ना। और 195 टोटल कंट्रीज हैं, उनमें हमारा जो रैंक है वो भी 145 है। तो अभी हम पीछे चल रहे हैं, और कई जगहों पे अगर हम देखा जाए तो रूरल एरियाज में या फिर कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे स्मॉलर सिटीज है, वहां पे बिलीव्स क्यों चलते हुए, है ना, कि यार लोग बूढ़े हो गए तो अब इनको तो इनकी तो जो नजर है, जो निगाह है, वो तो कम हो ही जाएगी। तो इस तरह का जो बिलीफ बना हुआ है उसकी वजह से भी हम एल्डरली पॉपुलेशन को एक तरह के डिपेंडेंट बना रहे हैं, नॉट दी एसेट्स। अब
बात आती है कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है। देखो सरकार कर रही है, लेकिन उतना नहीं कर रही जितना कि हमें करना चाहिए फॉर दी एल्डरली पॉपुलेशन, ताकि वो डिपेंडेंट ना बन पाए। तो इनएडिक्वेट स्कीम्स हैं, और जो विशेष साइकिल है वो पुअर हेल्थ का और अनफोर्डेबल हेल्थ का, वो वैसे ही चलता आ रहा है। तो एक रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम आयुष्मान भारत की बात भी करें, उसको भी छोड़ के, है ना, जो गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है डिप्राइव्ड को लेकर, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, नीति आयोग रिपोर्ट ने यही बोला है कि 400 मिलियन जो इंडियंस हैं, दे डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल कवर फॉर दी हेल्थ एक्सपेंसेस। तो ये बेसिकली हम यही पता लग रहा है कि या तो अवेयरनेस कम है हमारे में कि यार हमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा रहे, तो एक्सपेंसिस अगर कोई हेल्थ कंडीशन आ जाती है तो लोग बोलते हैं कि यार कि अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में जाता है तो वो तो बिल्कुल ही खाली होकर आता है ना। तो इस तरह से ये चीज बोली जा रही है। और अपॉर्चुनिटी क्या है इन चैलेंजेस को में चलते हुए भी, अपॉर्चुनिटी पहली चीज तो ये है कि हमें इंक्रीज करना चाहिए अपने हेल्थ केयर स्पेंडिंग को, मतलब गवर्नमेंट को, ठीक है जी। नंबर टू, हमें क्रिएशन करनी चाहिए वेल इक्विप्ड एंड स्टाफ्ड मेडिकल केयर फैसिलिटीज की और होम हेल्थ केयर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, इसको बेसिकली आप अलग से लिख सकते हो कि जो होम हेल्थ केयर और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो एल्डरली पॉपुलेशन है या फिर जो यंग पॉपुलेशन भी है, उसमें मेजर जो इम्पैक्ट डाला जा रहा है, जो इम्पैक्ट हो रहा है, वो है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए होम केयर हो गया, या फिर रिहैबिलिटेशन सर्विस होगी, या फिर जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी जो कोर्सेज हैं, जो फिर थेरेपी है ना, कोर्स नॉट कोर्सेज, थेरेपी है, वो बेसिकली होनी चाहिए। और आगे उन्होंने लिखा है कि जो आयुष्मान भारत है या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इस तरह की स्कीम्स और आनी चाहिए जो कि एक बढ़िया तरीके से क्या होने चाहिए, इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और जब ये इंप्लीमेंट अच्छे तरीके से होंगी तो हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा मतलब एक मिशन हमारा स्टार्ट होना चाहिए, डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, उसमें क्या है कि मेडिकल कंसल्टेशन को फिर उसी वे से हम एक्सपेंड कर पाएंगे जब हमारे पास डेटा होएगा। लास्ट में बड़ा अच्छा पैराग्राफ है कंक्लूजन के लिए, अगर आप कहीं पे भी लिखना चाह रहे हो, ये जो इसेंशियल स्टेप्स हैं ये कन्वर्ट करेंगे एल्डर्स इनटू मैसिव रिसोर्स फॉर द सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गिविंग एन ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू डेमोग्राफिक डिविडेंड। आफ्टर ऑल द प्रूफ ऑफ अ ट्रूली इवॉल्व्ड एंड केयरिंग नेशन लाइज इन द वे इट नॉट ओनली नर्चर्स इट्स यंग बट ऑल्सो हाउ इट इज केयर फॉर इट्स एजिंग पॉपुलेशन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यू कैन कोट एनीवेयर एज अ कंक्लूजन। So, आज के लिए तो यही था जो एक इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें, एडिटोरियल है जो हमारे काम का है ज्यादातर। और एक ये एडिटोरियल है ईरान न्यूक्लियर टॉक इन दी गल्फ, है ना, इसमें जो कोपा के बारे में भी हमने पढ़ना है, तो इसको बेसिकली संडे को कवर करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज आप अपने से भी पढ़ सकते हो, इस चीज को याद रखिए। अब आगे देखते हैं जी, आगे इस पेज पे तो कोई ऐसा न्यूज नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ यही हेडलाइन है कि इंडिया हैंड्स ओवर फूड एड एंड डिफेंस इक्विपमेंट एट टू मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की आप लोकेशन देखिए प्लीज, और उसमें आपको बेसिकली पता चलेगा। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, बी अलर्ट एंड डिसिप्लिन टू फाइट पेंडेमिक सेज पीएम। वो मैंने आपको पहले भी उसमें बताया कि नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो चुके हैं, तो बेसिकली मास्क हो गया, हाथ धोना हो गया, इस तरह की चीज जो चीजें उनमें बेसिकली यही बताया बार बार, तो ये है चीज। आगे है वॉलंटियर इंगेज्ड इन क्लीन अप ऑफ साबरमती रिवर। तो साबरमती रिवर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जैसे कि नर्मदा और तापी है, ठीक है जी। ये ओरिजिनेट होती है अरावली हिल से, उसके बाद में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, और इसका जो माउथ ऑफ द रिवर है ये है गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ खंबार जिसको हम बोलते हैं, और जो अहमदाबाद सिटी है वो लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। अगली जो न्यूज है इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन 5 चाइनीज गुड्स। एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है, देखिए बेसिकली लेट्स इमेजिन एक कंडीशन में आ रहे हैं कि उस कंडीशन में आप ये इमेजिन करिए कि अगर हम सोचें कि कोई चीज है, बेसिकली देखिए एक बनाते हैं चीज कि कोई चीज है बेसिकली लेट्स से कि कोई मोबाइल है जी चाइना में, और वो मोबाइल जो चाइना में है वो वहां पे 100 रुपीज का बिक रहा है, ठीक है, मतलब 100 रुपीज की या फिर 80 रुपीज की क्या है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो क्या है 80 रुपीज की, और जो चाइना की मार्केट में वो बिक रहा है मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 100 रुपीज। लेकिन बेसिकली हमने क्या देखा, वही सेम मोबाइल जो चाइना में 100 रुपीज का बिक रहा है और जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 80 रुपीज है, वो इंडिया में 50 रुपीज का दिया जा रहा है सेम मोबाइल, और दे कौन रहा है, चाइना। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि वो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, दूसरी कंट्री जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको क्या करना चाह रही है, उसको खराब करना चाह रही है, उसको हर्ट करना चाह रही है।
तो इन चीजों से बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है उसके पास WTO के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। मतलब एक तरह का डंपिंग करना हो गया ये, तो एंटी डंपिंग के लिए हमें ये प्रोविजन आती है। तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो तकरीबन 100% की ड्यूटी भी लगा सकती है। मतलब अगर 100% की ड्यूटी लगाई तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। तो होगा क्या, उससे जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसमें कॉम्पिटिशन उतना ही रहेगा, तो जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वो हर्ट नहीं हो पाएगी। तो यही इसकी न्यूज है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है ओनली 5 चाइनीज गुड्स, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी हमारी किस चीज को, डोमेस्टिक मार्केट को। आगे देखते हैं जी, कोई न्यूज अगर पढ़ने वाली हो तो, आगे कोई बेसिकली न्यूज नहीं है पढ़ने वाली। तो आज के लिए इतना ही, और फर्दर कंटेंट के लिए, फर्दर जो भी चीजें हम इस पे डालेंगे, फुल कोर्स या कोई भी चीजें, उसके लिए आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।